आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। प्रतापगढ़ जिले के गांधी चौराहे पर जश्न का माहौल। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आज गांधी चौराहे पर जमकर आतिशबाजी की व खुशी का इजहार किया। ये जश्न और खुशी का माहौल निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से विजय हुए उद्यलाल अंजना को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर मनाई जा रही थी, जिसमे गांधी चौराहे पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनमें मुख्यतः ओम प्रकाश ओझा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष उद्यलाल अहीर, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय राठौर, कांग्रेस सेवादल जिला अध्यक्ष श्याम टांग, कांग्रेस जिला महासचिव अशोक पटवा, रामलाल अंजना बसार, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष विजय उपाध्याय, आशीष अहीर, रवि ओझा, शंकर टांग, कांग्रेस जिला प्रवक्ता मोहित भावसार, अशोक टांग सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। खबर आपकी राजस्थान से, दिलीप टांग की स्पेशल रिपोर्ट। किसान नेता माननीय श्री उदयलाल जी अंजना को आज कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। प्रतापगढ़ में सारा उत्साह का माहौल है, लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है और आगे भी प्रतापगढ़ विकास हमारे रामलाल जी और उदयलाल जी दोनों मिलकर प्रतापगढ़ का विकास करेंगे। धन्यवाद। जय कांग्रेस। भाई साहब उदयलाल जी का जो कैबिनेट में मनोनयन हुआ है, नियुक्ति की गई है उनकी अशोक जी और सचिन जी पायलट के द्वारा राहुल जी गांधी की सम्मति से, तो निश्चित ही हम पूरे क्षेत्र बहुत ही गर्व और खुशी का दिन है। आज हमें पूर्ण विश्वास है कि इधर हमारे भाई रामलाल जी जीते हैं कांग्रेस सत्ता के वर्षों के बाद और सर भाई साहब मंत्री बने हैं, तो निश्चित ही प्रतापगढ़ का विकास जो गत 20 वर्षों से लगभग ये कहना चाहिए रुका हुआ था, जो गति बंद हो गई थी वो सब गति पकड़ेगी, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे हमारे किसी चिकित्सा का मामला हो, सुविधाएं अन्य जो चाहे वो किसानों के लिए हो। भाई साहब उदयलाल जी और भाई रामलाल जी दोनों मिलकर अशोक जी और सचिन की सहयोग से हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। इसी आशा से आज सभी साथियों जो उनके परिजन हैं, उनके मित्रजन हैं और जो कांग्रेस के सिपाही हैं वो सब खुशी मना रहे हैं। ये खुशियाँ निश्चित आने वाले समय में बहुत रंग लाएगी, इसी आशा के साथ।